सीएम योगी की अपील का असर होता नजर आ रहा है। सड़कों पर नहीं पढ़ी गई है इस बार नमाज, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है त्योहार। लोग खुले में कुर्बानी भी नहीं दे रहे हैं। आज बकरीद का त्योहार है और पूरे धूम से देखिए देश में मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने जो हिदायत दी थी उसका भी पालन किया जा रहा है। फिजा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक, सभी ने एक दूसरे को यूं ही दी ईद की मुबारक। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में शांति, खुशहाली और धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। देश भर की मस्जिदों और दरगाहों में बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। यूपी में ईद को लेकर विशेष तैयारी है। बकरीद पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारी सुरक्षा के बीच प्रदेश भर की मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। पुलिस प्रशासन इस मौके पर पूरी तरह अलर्ट है। लखनऊ में आज बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये टीले वाली मस्जिद के बाहर की तस्वीर है कि जो लोग हैं वो यहाँ नमाज अदा करके अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस दौरान यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। भारी संख्या में पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई थी। पुलिस के साथ साथ जो पीएससी के जवान थे उनको भी तैनात किया गया था। नोएडा में ईद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। खुले में कुर्बानी पर रोक के आदेश हैं। मस्जिद के गेट पर खुद पुलिसकर्मी है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि खुले में कोई भी नमाज ना पढ़े। दूसरी तरफ ड्रोन से और कंट्रोल रूम बनाकर तैनाती की जा रही है। अभी हमारे साथ डीसीपी मौजूद हैं हरिश्चंद्र जी। सर, कितने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, किस तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है? ये देखिए, आज बकरीद की नमाज को लेकर के पीएससी की टुकड़ियां हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं। इसके अलावा जो है वो हमें एक्स्ट्रा फोर्स भी पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस से अलॉट हुआ है। रामनगरी में भी धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। आगरा में भी बकरीद के मौके पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा देखा गया। शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। हमारा सभी जनपद वासियों से यही अपील है कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने इस त्योहार को मनाएं और बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की और पुलिस की प्रॉपर दुरुस्त व्यवस्था रहेगी। अलीगढ़ महानगर के शाह जमाल ईदगाह समेत जिले में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों मुस्लिम भाइयों ने हाथ उठाकर जिले में और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। हरदोई और झांसी में भी शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज संपन्न हुई। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम देखे गए। नमाज के दौरान पुलिस मौजूद रही। यूपी में सीएम योगी के निर्देश का सख्ती से पालन हुआ। प्रदेश में शांति और खुशहाली के साथ मुस्लिम समाज ने बकरीद मनाई। टीम न्यूज़ स्टेट।